किसको बोलने भेजेंगे, हम तो फंस गए, हमको पैखाना लगा हुआ था, हम कैसे वहां से निकलते। दोनों चीज था, पैखाना भी लगा हुआ था, भूख भी लगा हुआ था। और एक बात सुन लीजिए, चुनचुनमा मुनपुनमा कोई नाम का है अथी वहां पर मुंशी नवगछिया में, किसी सिपाही से भी नहीं पड़ता है। जिसका बाजार में दुकान है तो घर भी है, घरे में दुकान है तो झाड़ू नहीं लगाएगा। अब दुकान से बंद हो गया तब ना झाड़ू लगाता है, तो कैमरा लेके जाता है, किसी तरह फोटो खींच लेता है और ब्लैकमेल करता है और घूम घूम के वो कहता है तुम्हारे पर मुकदमा, थाना बुलाता है, थाना जाता है तो वहां पैसा लेता, नहीं तो रास्ते में पैसा 2000 रुपया पर मकान कलेक्शन करता है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। जेडीयू के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में वो बैरिकेडिंग को हटाते नजर आ रहे हैं। उनके इस वीडियो के वायरल होने के बाद सीएम नीतीश कुमार पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए कि एक तरफ आप नियम कानून बना रहे हैं कि कोरोना को काबू किया जाए, कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं, उनकी बैरिकेडिंग कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही के विधायक बैरिकेडिंग तोड़कर हटा रहे हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे और उस विधायक पर क्या कार्रवाई करेंगे? दरअसल ये मामला कुछ दिन पहले का है, जब रात के समय बैरिकेडिंग तोड़ते नजर आए थे गोपाल मंडल और ये वीडियो उनका वायरल हो गया था। अब वीडियो वायरल होने के बाद सीएम नीतीश कुमार तो इस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन अब खुद गोपाल मंडल सामने आए हैं और उन्होंने बताया कि क्यों आखिर उन्होंने उस दौरान बैरिकेडिंग को हटाया। उनका कहना है कि उन्हें जल्द घर पहुंचना था, उन्हें भूख भी लगा था और शौच भी लगा था, दोनों करना था, इसलिए उन्हें घर जाना था। दूसरे रास्ते पकड़ के जाते तो लेट होता, इसलिए उन्होंने बैरिकेडिंग हटा दी। लॉकडाउन में अगर आप सड़कों पर निकल जाइएगा तो आपको डंटों से चोट दिया जाएगा, लेकिन ये विधायक हैं इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या कुछ कह रहे हैं बैरिकेडिंग हटाने के संदर्भ में गोपाल मंडल, आप सुनिए। उसके बाद वो प्रशासन पर भी कुछ आरोप लगा रहे हैं, उस पर भी हम आपको सुनाएंगे। पब्लिक ने हमसे गुहार लगा है, हम लोग कैसे जिएंगे, मेन रोड पर ही बैरिकेडिंग लगा दिया है, अगर कहीं कोरोना है तो वहाँ लगाना चाहिए, मेन रोड पर। हमारा ये कहना बैरिकेडिंग से कोई जोर नहीं, हम जब घुसे हम SDO और DSP साहब से मिल के मार्केट चले गए 6:30 बजे। हम जब इधर से गए तो भाई गौशाला वाला रोड में, कहने का मतलब इधर उस जगह पोस्ट ऑफिस के निकट उसी जगह बैरिकेडिंग था। फिर घुमा के हम उसी जगह से राणा जी का जहाँ कार्यालय था या अखबार था जी का, उससे कट के फिर चला है यहाँ। अब फिर जब आते हैं तो देखते हैं स्टेशन के पहले एक बैरिकेडिंग है। हमारा ये कहना है, ये बैरिकेडिंग का विरोध नहीं करते हैं, हमारा एक कहना है कि उसमें बैरियर लगाना चाहिए, एक सिपाही को दे दें, ईटा उसमें बांध दें, छत्ता लगा के किसी के दुकाने में बैठ के गिरा भी हटा भी, हमारे क्या बैरिकेडिंग तोड़ने का कोई मकसद नहीं। आखिर हमारे से MLA को दिक्कत हो रहा है, बाजार से घूस गए, कैसे निकलेंगे, आम पब्लिक का क्या दशा है। और एक बात मुख्य बात सुन लीजिए कि 2 एम्बुलेंस वहाँ से घुरा है, अस्पताल जा रहा था नहीं जा सका, और 1 एम्बुलेंस में कोरोना पॉजिटिव था, वो अस्पताल ले जाने गर्म ऑक्सीजन जब दिखा वहाँ से फिर भागलपुर चल दिया, वो पता नहीं चला है कि कौन कोरोना पॉजिटिव था, और पुल पर ही जाम था और वहीं पर वो देख कर। ये स्थिति है, प्रशासन सरकार का जो निर्देश है, गाइडलाइन है कि भाई क्या सुविधा, कैसे कोरोना से हम लोग बचें, तो कोरोना से बचेंगे क्या, रोगी होके हम लोग मर रहे हैं। ये कहानी है, तो हम जो तोड़ताड़ किए, हमको निकलना था ना, हम ऐसा नहीं बैरिकेडिंग लगा है जान बुझ के हम तोड़े, हमको निकलना था, निकलते तो कैसे निकलते, इसलिए हम हटा दिए। हटा के हम दुकान वाले को बोले सलाह आओ पकड़ो सबको, इसको हटाओ, हटा के हम पार कर गए। ठीक उसी टाइम मेरे सामने में एक पिकअप कोई सामान था आया और वो अंदर घुसा। अब रात में दिन में तो लॉकडाउन में ठीक है, नहीं जाने देते हैं जो साहब या दुनिया का कोई भी नहीं जाने देता गाड़ी, ठीक, तो रात में जो आएगा बैरिकेडिंग लगा दीजिएगा, तब स्टेशन रोड के निकट वो गाड़ी रोक के माथे पर बीच बाजार ढोके ले जाएगा, ये सोच नहीं है। ये जितना सरकारी मुलाजिम है वो काम नहीं करना चाहता, सुन, वो सिर्फ सरकार का वेतन लेना चाहता है। अगर काम करने वाला था बैरियर लगा के सिपाही को बाहर कर दीजिए, वो नहीं करके उन्होंने बैरिकेडिंग आराम से बैरिकेडिंग लगा दिया। लोग पब्लिक को कोई कष्ट हो, हमको कोई मतलब नहीं।
हम तो पब्लिक के बनाए हुए लोग हैं, पब्लिक ने गुहार लगाया, हम आए सबूत पकड़ गया बिलियन में हटा दिया, ये तो किया है। तो पब्लिक कुछ भी, पब्लिक के लिए कुछ भी करते हैं। जहाँ तक मालूम हुआ मेरे ऊपर वो FIR करने के लिए कहा। अरे जिंदगी भर तुम जेल में, 7 साल तक लगातार जेल में रहे RJD के समय काल में, मर्डर केस में, इस केस में कोई काम करे नहीं करे हम फंस जाते थे। हमारा ये कहना, ये एक पैर मेरा पब्लिक के लिए जेल में रहता, ये एक पैर फाटक के इधर, अगर गलत हुआ तो पैरवा उठा दिए जेल चले गए, अगर सही तो पैर उठा दिए बाहर, इसी लग सकता है। आज तक 4 बार चुनाव हारे, 4 बार जीते, 4थी बार जीते, साधारण बात नहीं जीतना। और चैलेंज करके मैं 25,000 से जीतूंगा तो जीतूंगा, 7 का 7 सीट लूंगा तो लूंगा, 2 सीट लूट किया अपने कारण, पार्टी के लोग गलत किए, हम किसी किसके विरुद्ध ना, आप लोगों को पता नहीं है इस ब्रैकेटिंग पर बहुत खर्च है, जो उसका सही अनुपालन नहीं करके प्रशासन लोग सब जो है सिविल हो या जो भी है पैसे का छुट्टा बंटवारा करता है। और एक बात सुन लीजिए, चुन चुनमा मुन फुनमा कोई नाम का है अथी वहां पर मुंशी नगछिया में, किसी सिपाही से भी नहीं पड़ता है, जिसका बाजार में दुकान है तो घर भी है, घरे में दुकान है तो झाड़ू नहीं लगाएगा, अब दुकान से बंद हो गया तब ना झाड़ू लगाता है, तो कैमरा लेके जाता है किसी तरह फोटो खींच लेता है और ब्लैकमेल करता है और घूम घूम के वो कहता है तुम्हारे पर मुकदमा, थाना बुलाता है, थाना जाता है तो वहां पैसा लेता है, नहीं तो रास्ते में पैसा 2,000 रुपया पर दुकान कलेक्शन करता है। लेकिन सरकार से एकदम बैरिकेडिंग जो टूट रहा है फिर जोड़ दे, आपने मान लिए ओकरा हटेलिए, लेकिन डरी लड़े पुलिस कोई अपने नाम नहीं बोले, आपने सर खाली कहियो देती है तो हटा लेती है, नहीं 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 कहीं एक आप मस्ती जरूर, अरे भैया ककरा कहती है के छले नौ जरा थानेदार के बोले लेबे सर, बोले लेती है सर तुरंत आबी, अरे तुरंत आबी से फेरम पड़ी है, ये अगर किसी को हटाने के लिए कहते हैं वीडियो कॉलिंग करके उस पर मुकदमा हो जाता है, आप जानवे नहीं करते हैं। हम तो सेना कहा जाए या राजा कहा जाए, हम लड़ाकू आदमी है ना, इसलिए अपने से काम करते हैं हम, स्पॉट पर किसी कार्यकर्ता को कुछ नहीं होगा तो सीधे बंदूक राइफल लेकर उतरेंगे, देना होगा दे ही देंगे, सर फॉलो अगर कोई कार्यकर्ता करने लगे उसको तो जेल चला जाएगा, हाँ जेल चला जाएगा मुकदमा, अभी कोई आता तो जेल चला हुआ सर, इसमें कुछ, अरे हमको क्यों होगा, हम गलत कर रहे नहीं किया भाई, आम पब्लिक हमारा ये कहना ब्रैकेटिंग का विरोध नहीं है, बैरियर आप लगाइए उसमें दो चार कोई कार रखिए, बैठे रहे सिपाही, गिरावे उठावे गिरावे उठावे, बात बोलती है सर मानी लेती है यहाँ का प्रशासन अपने बात, किसको बोलने पे जाएंगे, हम तो फंस गए, हमको पैखाना लगा हुआ था, हम कैसे वहां से निकलते, दोनों चीज था, पैखाना भी लगा हुआ था भूख भी लगा हुआ था। तो ये वो बातें हैं जो गोपाल मंडल बता रहे हैं आपको कि क्यों वो बैरिकेडिंग हटाए और उस रास्ते से गए। उनका कहना था कि नवगछिया स्टेशन के मुख्य सड़क पर ये बैरिकेडिंग की गई थी, बैरिकेडिंग की जगह बैरियर लगाना चाहिए था, पुलिस वाले निकम्मे हो गए हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए बैरिकेडिंग लगाकर निश्चिंत होकर घरों में सो जाते हैं, बैरियर लगाने से बचते हैं। लेकिन इसके अलावा उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों के साथ घट रही घटनाओं के संदर्भ में भी बातचीत की और अपने क्षेत्र के थानेदारों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद हैं लेकिन दुकानों में झाड़ू पोछा करने के लिए सुबह सुबह दुकान जब दुकानदार खोलते हैं तो उस एरिया का मुंशी उनकी फोटो खींच लेता है और उन्हें बाद में ब्लैकमेल करता है कि पैसे दो नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। तो ये आरोप खुद CM नीतीश के विधायक अपने क्षेत्र के थाने में मौजूद मुंशी पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई काम अब थाने वाले करना नहीं चाहते हैं, केवल बैठना और ब्लैकमेल करना ही चाहते हैं। तो ये एक बड़ा आरोप है कि लॉकडाउन में पुलिस किस प्रकार से पैसे की उगाही करने का एक और जरिया तलाशते नजर आ रही है। दुकानदारों को ब्लैकमेल करने का बात खुद CM नीतीश के विधायक कर रहे हैं, ना कि विपक्ष के विधायक। गोपाल मंडल हमेशा से ही विवादों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं और एक बार फिर वो सुर्खियों में मौजूद हैं, पहले बैरिकेडिंग तोड़कर खुद हटाने की और उसके बाद अब प्रशासन पर ही आरोप लगाने की। अब देखना है कि किस प्रकार आगे की कार्रवाई होती है, क्या FIR दर्ज किया जाता है गोपाल मंडल पर, अगर दर्ज किया जाता है तो आगे क्या कार्रवाइयाँ होती है, क्या वो जेल भी जाएंगे, क्योंकि अन्य लोग तो जेल जा रहे हैं, गाड़ियां भी उन्हें उनकी जब्त कर ली जा रही हैं,
पिटाइयां भी हो रही हैं, लेकिन विधायक एमएलए के साथ ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आता है। गोपाल मंडल तो वैसे भी एक बड़े ही विवादित नेताओं में से एक माने जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार के हमेशा नियम कानून की धजियां उड़ाने में वो आगे ही रहते हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।